खबर रीवा जिले से है, जहां मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन करने के लिए सिंधु सभा हर वर्ष कार्यक्रम का आयोजन करती है और ग्रेजुएट छात्रों को सम्मानित करती है। इसी कड़ी में सिंधु भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बताया जाता है कि मुख्य शाखा रीवा द्वारा विगत 22 वर्षों से समाज के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया जा रहा है। सभा के पदाधिकारियों ने बताया कि भारतीय सिंधु सभा के अध्यक्ष गुलाब ठाकुर, उपाध्यक्ष गोपी गेलानी और प्रदेश मंत्री महेश ठारवानी के साथ संरक्षक प्रहलाद सिंह के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बच्चों को सम्मानित किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां और सुनाते हैं आयोजकों का इस कार्यक्रम के संबंध में क्या कहना है। मुख्य शाखा रीवा द्वारा लगातार 22 वर्षों से जो हमारे समाज के ग्रेजुएट बच्चे होते हैं उनको भारतीय सिंधु सभा हर साल उनको मेधावी बच्चों को उनको सम्मान समारोह करता है। इस सम्मान समारोह में हमारे प्रदेश के भारतीय सिंधु सभा के अध्यक्ष गुलाब ठाकुर जी, उपाध्यक्ष गोपी गेलानी जी, प्रदेश मंत्री महेश ठारवानी जी एवं हमारे रीवा के दादा प्रहलाद सिंह जी जो संरक्षक हैं एवं रीवा शाखा के अध्यक्ष खेमचंद लालवानी, महासचिव अमृतलाल दौलतानी एवं जो कोषाध्यक्ष हैं प्रहलाद चेलानी जी एवं उनकी पूरी टीम ने मिलकर यह कल मेघावी बच्चों को पुरस्कृत किया है, अवार्ड दिया गया है। उसमें हमारे समाज के जो संस्थाने हैं कुछ उनका बड़ा सहयोग रहता है, व्यापारियों का सहयोग रहता है जो बच्चों को उसमें हम लोगों को क्लास देते हैं, उनके तरफ से उनका सौजन्य से कार्य होता है और पूरा ये कार्यक्रम चलता है। शाम को 5 बजे से लगातार 10 बजे तक चला है। हमारे अतिथि गण आए थे, इसके बाद हजारों लोगों का भोजन कार्यक्रम हुआ था। लगातार 22 वर्षों से मेघावी विद्यार्थी बच्चों को सम्मान देती आ रही है। इस साल अध्यक्षता दादा प्रहलाद सिंह ने हमको सौंपी है, जिसमें हम लोगों ने हमारे पास 800 मार्कशीटें आई थी, जिसमें हमने परसेंट जो संस्था द्वारा मार्कशीट की परसेंटेज तय की गई थी उसके अनुसार जब हम लोगों ने जाँच किया तो उसमें सिर्फ 400 बच्चों को ही अवार्ड दिया गया है। हर बच्चों को स्टेज पे बुला के अवार्ड दिया गया है। इसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गुलाब ठाकुर जी और उपाध्यक्ष गोपी गेलानी जी और प्रदेश मंत्री महेश हारवानी जी, दादा प्रहलाद सिंह जी का अच्छा सहयोग मिला और कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से हुआ।